एक बार भाई जा रहे थे चर्च में उसकी गार्ड बन गई उसको रात को चर्च को दो बजे चर्च के बगल में बच्चे खेलते हुए दिख गए एक मम्मी के साथ अपनी। ये तो भाई मेरी मम्मी की नानी के साथ हुआ है, 20 मिनट बाद जिंदा हुई थी और फिर मम्मी है। लिटरली ऐसे आवाज आई थी गेट पे जब हम गेट की तरफ जा रहे थे ना, और रात के 2 बज रहे हैं, कौन होगा ग्रेवयार्ड में नॉक करने के लिए। सब लोग गए थे पार्ट के घर पे, विच इज आर कैमरामैन, उसका बर्थडे विश करने। एंड कुछ रात के 12-1 बजे हम ऐसे बाहर घूम रहे थे एंड एक सारी गलियां बंद थी, सारी दुकानें बंद थी, एकदम से बहुत अच्छी स्मेल आई, लाइक आउट ऑफ नोवेयर, गली में दुकानें बंद है, सब कुछ बंद है। विश्वास साथ में था, उसने 2 मिनट बाद ये बोला कि बहुत बढ़िया सी स्मेल नहीं आ रही। एक और फ्रेंड था हमारे साथ प्रतीक खत्री, उसने बोला जब ऐसी स्मेल आए तो उसे नोटिस नहीं करना चाहिए। 11 बजे का कॉल टाइम था, 11:30 को देखो भाई क्या कहता है। हेलो यो ब्रो। हाँ भाई बताओ किधर हो। मैं तो भाई जिधर होना 11 बजे जिधर होना चाहिए था मुझे मैं उधर हूँ। कहाँ पे हो, कितना टाइम लगेगा? 10-15 मिनट। ठीक है ओके, सत्यम को लेके आ रहा हूँ बस। अच्छा ठीक है ओके। घर जो कि आश्रम में है वहां से भाई को शाहपुर जाट आने में 10-15 मिनट लगेगा, है ना, 10-15 मिनट लगेगा पास इसको आने में। मुझे पता क्या बोल रहा था, मैं नीचे खड़ा हूँ। कोई हॉरर स्टोरी है तुम्हारी? एक दिन मैं सुबह सुबह उठा तुम्हारा कॉल आ मेरे साथ भी, मेरी किसी के साथ हुआ, मेरे जान पहचान की जान पहचान के साथ, जैसे मैं रवि जी पहचानता हूँ तो रवि जी के साथ भी नहीं हुआ है, रवि जी के किसी के साथ हुआ है। अच्छा, तो नए नए घर में शिफ्ट हुए थे तो एक भूत था, तो वो नाटक करता था उनके साथ बहुत, जैसे रात को टीवी ऑन हो जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा, बालकनी की खिड़की खुल जाएगी, नल को ऑन हो जाएंगे, ये सब होता था। तो फिर उन्होंने पूछा इधर उधर किसी से, तो उन्होंने बताया कि नहीं भाई ऐसा ऐसा था, ये सीन था, बट वो हो गया, वो पूजा सब हो गई थी, कुछ दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद 2-3 हफ्ते तो नहीं किया, बट उसके बाद फिर से करने लगी वो। तो फिर उनके किसी दोस्त ने बताया कि भाई तू एक काम कर, वो तो मुस्लिम थे वो दोनों, भाई बहन रहते थे दोनों, तो उनको किसने बताया भाई तू हनुमान चालीसा पढ़ लिया कर, रात को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो हर दिन रात को सोने से पहले पढ़ लेते थे और तकिए के नीचे भी रख लेते थे। ऐसे चला 1-1.5 हफ्ता, उसके भूल गए उन्हें भाई एक दिन नहीं करना। तो भाई मेरी बहन बता दी, मेरी गांव फट गई थी भाई सुनकर, कि वो आई अगले दिन, ठीक है जिस दिन नहीं पढ़ा मैडम आ गई मैडम ऐसे लेटे हुए वो दोनों सो रहे हैं, मैडम हवा में तैर रही है, दिख रहा है उनको, दिख रहा है ठीक है, और कह रही है आज नहीं पढ़ेगा क्या हो गया भाई, भाई उसने तो मेरे को पता नहीं कैसा रिएक्शन होना चाहिए। अगर तुम्हें कभी दिख जाए तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? मैं तो एक्साइटेड तो क्या मतलब एक वो रहेगा कि अरे मतलब फटेगी तो है ही, सांस बढ़ जाएगी, बीपी मतलब हार्ट रेट वार्ट रेट कम होने लगेगी, सब चीजें होंगी, लेकिन वो नहीं होगा कि अरे भाई वो, बट अंदर से एक वो रहेगी, क्या कहते हैं उसे, सेटिस्फेक्शन, एक हाँ एक स्पार्क रहेगा कि अरे भाई ये क्या चीज है। अच्छा। ये कोई नई चीज देखी है। और मेरा एक दोस्त है अर्पित, वो तो है जो क्रिश्चियन है भाई, एक बार भाई जा रहे थे चर्च में उसकी गार्ड बन गई उसको रात को चर्च को दो बजे चर्च के बगल में बच्चे खेलते हुए दिख गए एक मम्मी के साथ अपनी, कह रहे कि इस समय कौन खेलता है भाई, फिर रात को अगले दिन उसको लगा नॉर्मल ऐसे खेल रहा होगा, उसको लगा कोई ऐसे नॉर्मल खेल रहा होगा, फिर अगले दिन उसके चर्च चलने ने बताया कि अच्छा वो पार्क में नहीं गए तुम। एक बार तो अपनी उसी दोस्त को कह रहे, मैं अपनी दोस्त को घर से पिक किया हूँ, रस्ते में निकला हूँ और मेरी दोस्त ने बोला कि इस रस्ते से मत चलो, इधर पेड़ गिरा हुआ है, ज्यादा देर लगेगी, दूसरे रस्ते से चलो। कह रहा है मैं दूसरे रस्ते से पहुंचा हूँ, आधे रास्ते मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी बाइक पे वेट नहीं है, और मैंने पीछे पलटी देखा तो कोई नहीं था। कह रहा है मैंने बिठाया है अपनी दोस्त को पीछे, अच्छा बातें चली हैं आधे रास्ते, उसने बोला कि लेफ्ट साइड से मत जाओ राइट साइड से जाओ। फिर उसने दोस्त को फोन किया, कह रही है भाई मैं तो अपने घर में वेट कर रही हूँ, कहाँ हो तुम, किसको उठा लियो भाई, गांजा फूंक के चला गया था। कोई स्टोरी है तुम्हारी पर्सनल? आप भी थी ग्रेवयार्ड शूट में, थोड़ा सा मेरे को आई वुड से 10% डर तो लगा जो ओके टेस्ट ग्रेवयार्ड शूट हुआ था। पूरा जंगल पूरा ग्रेवयार्ड शांत था, एक पेड़ का एक पत्ता हिल रहा था, एक डाल का, कैन यू इमेजिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस वही पे एक अब आ रही है। हाँ, वो भी मेरे को कौस्तव ने दिखाया। तो मैंने पहले कौस्तव को देखा कि भाई ये कौस्तव है,
वहाँ पे ग्रेवयार्ड वाले शूट में काफी चीजें भी हुई थी मैंने सुना था, आवाजें आवाजें आ रही थी, ऐसे 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 लिटरली ऐसे आवाज आई थी गेट पे जब हम गेट की तरफ जा रहे थे ना, और रात के 2 बज रहे हैं, कौन होगा ग्रेवयार्ड में नॉक करने के लिए, कोई नहीं होगा, क्यों केयरटेकर केयरटेकर हमारे साथ, केयरटेकर इनके साथ ही तो था, तो उसने क्या बोला, तो उसने जैसे ही वो ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था ऐसे जैसे नॉक हुआ ऐसे मुड़ गया, बस चलो इधर से, बिकॉज ही न्यू कि ये एक साइन है कि उधर नहीं जाना, ऐसा बोला जाता है कि एक पर्टिकुलर कुछ टाइम पे उधर कुछ ना कुछ होता है। अच्छा। जैसे एक दोस्त था मेरा, वो बता रहा था कि एक दिन वो निकला, वैसे वो भाई कितना 1.5 मिनट का पुल है वो, चढ़ोगे 1.5 मिनट बाद, उस दिन कह रहा भाई 17 मिनट इस पुल पे चले, कह रहे अच्छी खासी सीट 50 साल पे चल रहे, कह रहे लेकिन पुल ही नहीं खत्म हो रहा, पुल ही नहीं खत्म हो रहा। और लखनऊ में एक और पुल है फातिमा हॉस्पिटल के बगल में, निशादगंज का, हाँ निशादगंज का पुल है, उधर एक दोस्त बता रहा था, बहुत पहले की बात है, मतलब जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, तो उसके पापा ने बताई थी उसको, क्योंकि उसके अंकल थे सरदार जी अंकल, तो वो जॉब से आते जाते थे साइकिल से, तो वो पुल के थ्रू आने जाना होता, तो उनको एक दिन ऐसे रैंडम कोई मिल गया, हाँ। आवाज आ रही है सिर्फ, समझ रहे हो, सिर्फ आवाज आ रही है और कोई नहीं है, ऐसे किसी ने बुलाया नाम लेके, हाँ उस पुल पे जस्ट एकदम बीच पे वो रुके साइकिल से, तो उनको पता चला कि भाई कोई है तो, ये तो कुछ सीन है, तो उन्होंने बस एक चर्चा की कोशिश नहीं की देखने की कि कौन है क्या है कैसा है, बस बात करते रहे, तो उसने बोला कि बस मेरे को इधर से पुल के एंड तक छोड़ दो, तो वो बता रहे थे कि उनको पूरा प्रॉपर पता चलता था कि साइकिल में कोई वेट है, फिर पुल के, तो उन्होंने देखा नहीं क्या किसी को, नहीं नहीं कह रहे देखा नहीं था उन्होंने, बस ऐसे करके हल्का फुल्का देखते थे तो कुछ दिखाई नहीं देता था, बट उनको साफ साफ पता चलता था कि भाई वो बातें कर रहा है उनसे प्रॉपर, पीछे साइकिल की पीछे वाली सीट पे कोई ना कोई, अब वो पुल खत्म होता था तो वैसे वो पीछे का वेट सारा चला जाता था, ये उनके साथ हुआ था 3-4 साल, हर दिन दोस्ती कर ली थी क्या आपने देखा आपने देखा कोई देखा तो नहीं, हमारे साथ तो बहुत हुए, अरे बताओ बताओ, अरे पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, 3-4 दिन पहले कोई मर गया था, तो हम गाय चराने गए हुए थे, अब वो हमको जंगल में दिखा, वो आराम से सो रहा है पेड़ के नीचे, वही बंदा सेम वही बंदा, एक होता था ज्यादा झूठ बोलता है, 10 बंदे थे हम गाय चराने गए लड़के लड़के, जब हमने वापस आके गांव में बताया कि वो वहाँ पे आप वगैरह मर गया, तो गांव वाले फिर हमारे साथ गए, तो उन्होंने थोड़ा पूजा पाठ किया वहाँ पे, उसके बाद से नहीं दिखा। ये तो भाई मेरी मम्मी की नानी के साथ हुआ है, 20 मिनट बाद जिंदा हुई थी और फिर मर गई, फिर वो पूरा बताया कि मैं जो नरक और ले गए थे उनको, क्या उसके 5 मिनट बाद फिर उनकी बोल रही, हाँ भाई उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया था कि कैसा दिखता है, भाई मैं उधर गई, उधर ये सब हो रहा था, फिर उधर से कोई आया, उसने बोला अरे इसको तो नहीं ले जाना था, किसको ले आए हो, फिर हो गए, So you picked up the wrong order. Yeah. और फिर उसके बाद बोला कि अरे भाई ये तो अब ले ही आए हो तो अब तो हो ही गया, तो चलो रखो फिर। मेरे दोस्त के भाई ने अपने कजन को देख लिया था, उनके यहाँ रात को आया था मिलने के लिए, रात को 2 बजे बारिश वारिश में आया, तो उन्होंने बोला कि अरे अभी आने की क्या जरूरत थी, कल ही आ जाते हैं ये वो, वैसे भी तुम कल आने वाले थे, आज क्यों आ गए। अगले दिन को पता चला कि वो रस्ते में उसकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट से हो गया था, वो निकला रात को ही था इनके आने के लिए, बट कुछ वो नहीं हो पाया था, मतलब रस्ते में कहीं ना कहीं हो गया था, बट इनके घर में पूरा आया, कह रहे हमने दरवाजा खोला, अंदर बिठाया, खाना वाना खिलाया, फिर उसने बोला कि चलो मैं जा रहा हूँ मेरे को काम है, अगले दिन सुबह निकला है, उसके निकलने के 5 मिनट बाद कॉल आया कि भाई देखो ऐसा ऐसा हो गया, तुम्हारे साथ हुआ है, उसका जो हैंडल है ना, ऐसा नहीं है कि हल्का सा है कि ऐसे गिर जाएगा नीचे, पूरा ऐसे स्टिफ है, उसको ऐसे प्रेस करके करना होता है, वो ऐसे करके नीचे गया, ऊपर हुआ, नीचे गया, ऊपर हुआ, ऐसे 3 बार हुआ, ठीक है, एंड देन आई वाज लाइक व्हाट इज हैपनिंग, मुझे लगा मेरे भाई अंदर आने की कोशिश कर रहा है, मेरे भाई मेरे को डरा रहे, क्योंकि हम ऐसे करते रहते हैं के साथ, तो मैं एकदम से वेट कर रहा, फिर मैं जल्दी से खोल के देखा, खाली मैं गई, मेरा भाई सो रहा है, मैं बोला और मेरे मम्मी पापा सो रहे हैं, तूने बताया नहीं किसी को, मैंने मम्मी को जाके उठाया कि ब्रो मेरे गेट का दरवाजा ऐसे 3 बार गया, क्या हो रहा है, फिर पता चला एक्चुअली था क्या वो, आज तक पता नहीं चला, मिस्ट्री
but we assumed that it was some ancestor who didn't pass away, so we did like a proper havan. जो आपके एंसेस्टर ऐसे घर वाले आपके स्पिरिट्स होते हैं ना वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि मेरे एक फ्रेंड के फ्रेंड ने मुझे सुनाया था उनके घर पे छोटा बच्चा था जो कि बेड के साइड में सो रहा था ठीक है बहुत छोटा था वो चल नहीं सकता तो वो ना उसकी मम्मी आई जब घर में एंटर की वो अकेले सो रहा था थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी उसकी मम्मी जब घर में आई तो वो एकदम कॉर्नर पे था एंड ही फेल और वो जो गिरा ना तो वो स्लो मोशन में गिरा तो वो गए थे कहीं बाहर काम से वो वापस आए तो उन्होंने उनके दो उनके मतलब कॉलेज से मना किया कि रात को मत जाओ कहाँ जाओगे अलीगढ़ से लखनऊ ऐसा कुछ सीन तो कहाँ जाओगे मत जाओ ये करो उन्होंने बोला नहीं नहीं चला जाऊंगा क्या इतना 3-4 घंटे का रास्ता हो जाएगा बाइक से गए रास्ते में उनको कोई ऐसी दावत वावत दिखी कहीं शादी वादी नहीं होती गाँव की क्या है रुक के खाना खाने लग गए उधर तो उन लोगों ने मना किया कि आप मत खाओ सर आप जाओ अपने घर में खाओ कहने लगे कुछ नहीं भूख लग रही है खा लिया घर गए सोए हुए अगले दिन सुबह 6 बजे उठे मतलब बेल बजी उठे गए देखा दूध वाला था दूध लेके गए रखा 8:30 बजे फिर से बेल बज गई ठीक है उनकी वाइफ ने बोला जाओ देखो दूध लेकर आए दूध ले आओ उसने बोला अरे दूध तो मैं अभी सुबह ले लिया था तो उन्होंने बोला दूध वाले का टाइम है अभी 8:30 बजे जाओ लेकर आओ तो वो गए देखे तो दूध वाला ही था तो उनको लगा कि तुम्हें जो सुबह 6:30 बजे मैंने क्या ले लिया भाई किचन में गए पतीला भर खून रखा हुआ क्या बात कर रहे हो भाई जिस पतीले में दूध लेके गए थे उस पतीले में खून भरा हुआ है पूरा ऊपर तक फिर उन्होंने किसी पंडित वंडित तांत्रिक वांत्रिक इन सब को तो होते नहीं है वो हाँ। उन सबको बुलाया तो उसने पूछा कि भाई रास्ते में जो तुमने रोका था वो भूतों की महफिल चल रही थी जो तुम श्राद्ध में खाना चढ़ाते हो है ना डेड लोगों के लिए खाना चढ़ाते ना पेड़ में रखते हो तो उधर वो सारे डेड लोग मिलके वो सब वो कर रहे थे उनकी वो चल रही थी इसीलिए उन्होंने इनको मना किया कि भाई ये खाना आपके लिए है ही नहीं मत खाओ फिर कुछ ऐसे दिया होगा बकरी वकरी का दर्द दिया होगा कुछ मतलब बता रहा था कि कुछ सैक्रिफाइस और कुछ पूजा वूजा रिचुअल हुए थे उसके घर से उसका छोटा भाई और उनके कॉलोनी की एक लड़की तीनों ऐसे खेल रहे थे तो पेड़ पे कुछ ऐसे खीरा वीरा लटका हुआ था होता नहीं है टोटका करके थी कुछ कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि भाई देख मैं इस खीरे को ना लात मार के गिरा सकता हूँ ऐसी बच्ची हो रही है कि भाई केक वेक मारना ठीक है तो वो लड़की जो थी जो उनका भाई था उसने लात मारी गिर गया ठीक है तो लड़की में आया अरे तूने तो लात मार के देख मैं इसको खा के दिखाता उसने गलती से खा लिया और इसने भी खा लिया मेरी बहन की फ्रेंड के बक्चोदी में खा लिया और 3 दिन बाद इनको ऐसा बुखार चढ़ा है ना भाई कंटिन्यूस फिर वही हुआ फिर कोई तांत्रिक अंतरिक आए बाबा ओझा उन्होंने बताया कि देखो ऐसा है ये है ये लगेगा और अब इन दोनों में से कोई एक ही बच सकता है तो आप देख लो क्या करना है तो उन्होंने ऑब्वियसली अपने बच्चे को ही वो किया था तो उसके भाई का बुखार ये दोनों दोस्त थे जिन्होंने साथ कॉलोनी के लोग थे मतलब भाई बहन और एक कॉलोनी की लड़की थी अच्छा सारे कॉलोनी के दोस्त नहीं होते तो फिर उन्होंने कराया तो उनके भाई का तो उतर गया था 3-4 दिनों का जो दूसरी लड़की थी जो फ्रेंड थी कॉलोनी की वो फिर 1.5 हफ्ते बाद पास आउट शिट पास आउट किया पास हो गए शिट भाई एटी दिल्ली है तो जब कॉलेज था ना तब नुक्कड़ नाटक में पार्टिसिपेट करना है तो एक सीनियर के कोई दोस्त आ गए थे वो बता रहे थे भाई उनकी बहन के साथ होता है रियल बहन के साथ जब वो छोटे थे तो कोई जिन विन चढ़ गया था उनपे ठीक है तो बहन चोद अचानक से 50-50 रोटियां खा रही है ये तो चीज मेरे दोस्त के साथ भी हुई है मेरे पचास रोटियां दोस्त का नया नया घर बना था और वो बहन चोद उसके बगैर पीछे है जस्ट रेलवे लाइन के जस्ट पीछे है उसका मतलब बालकनी खोलो तो रेलवे लाइन दिखती है पीछे अब उसको चूड़ियों कंगन की आवाज आने लगी अचानक 3-4 दिन बाद और उसके घर में सबको एक दिन एक ही सपना आया था क्या पता नहीं उसके दादाजी से रिलेटेड कुछ लेकिन सबको एक सपना आया था एक ही सपना सारे लोगों का हो गया कि भाई वो कोई आए होंगे और फिर खैर जो भी है तो उसको अचानक एक दिन से अचानक से बुखार उखार चढ़ने लगा काफी तेज बुखार रहा उसको 30-40 रोटी खाने लगा वो भी
शिट हां भाई ये सब होता है डाइट वाइट बढ़ गई चढ़ना तो बहुत तो, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक और एंटिटी है ना वो उसको लग रही है और वो तो स्पिरिट ऑयल की है तो उसको तो नेक्स्ट लेवल भूख होगी इतना आटा गूंदा और उसकी रोटी खा के अकेले पूरी जितनी बनी सारी फिर ठीक कैसे हुआ भाई बाबा बाबा एक ही तो होता है तो उन्होंने क्या स्टोरी बताई कि कौन सा उसका नहीं पता मेरे को बट ये जो दूसरी वाली थी ना वो तो भैया की बहन का था जिसको भी बहुत भूख लगती थी हाँ उसको भी बहुत भूख लगती थी 30-40 कढ़ाई पर बैठे आलू सब्जी खा जाती थी तो फिर उसको लेके गए थे फिर वहाँ पे पूरा एकदम प्रॉपर जो झाड़ फूक नहीं होते पहले लेटाया फिर इसके ऊपर एक कपड़ा बिछवाया फिर कुछ अपनी पूजा पाठ की ठीक है तो फिर उससे वो पता चल रहा था तो उस लड़की के अंदर 4 जिंदे अच्छा 4 जिंदे एक लड़की जिंदी अच्छा तो लौंडों में ये था कि ये इतनी सुंदर है ये हमारी है जो 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 जिसकी बॉडी में वो थे जिसकी बॉडी में थे हाँ और जो लड़की जिंदी उसका ये था कि वह जो इतनी सुंदर है ये चारों इसके पीछे पड़े मेरे पीछे तो मुझे चाहिए नहीं दूंगा फिर वो किसी तरह निकाले कह रहे इसको इधर से जल्दी से ले जाओ तो उन्होंने कुछ 5-7 मटके लगा के पेड़ वेड़ में बांधे और फिर बता रहे थे कि जब वो गाड़ी में बैठी वो बार बार पीछे मुड़ गए देख रही थी और चिल्लाए थे कि भाई जल्दी निकलो आ रहे हैं वो लोग आ रहे हैं जो भाग रहे थे उसको देख रहे थे भागते हुए जल्दी निकलो वो बार बार पीछे देख रहे थे फिर अभी ठीक है अब तो ठीक है हो गया ना एक बार मैं सो रही हूँ मेरा भाई सो रहा है हम दिन में सो रहे हैं ठीक है मम्मी पार्ट कर रही है और मेरी मेड दोनों नीचे गई हुई है पापा घर पे हैं तो बेसिकली मम्मी इज अवेक एंड शी इज इन पार्ट तो पीछे से मम्मा को फील हुआ कि कोई ऐसे चल कर आया है उनके पीछे लाइक स्टेप्स टाइप का और साइड में सोफे पे आके कोई बैठ के पार्ट सुन रहा है ऐसे लाइक नहीं होता जब तुम ऐसे लेदर के सोफे पे ऐसे बैठते हो तो आवाज आती है कंप्रेस हो जाता थोड़ा तो फिर मम्मी को लगा कि अमृत अमित कोई ऐसा उठ के आया होगा फिर मम्मी ने टर्न करके देखा कोई नहीं था मम्मी चुपचाप पाठ करती रहेगी वो कहती पाठ करते करते हनुमान चालीसा शुरू छोड़ो कुछ बोलने का बस करते जाओ वैसे डरा दिया उसने नया नया शिफ्ट किया था तो उन लोग को ना जैसे तुम्हारी शैडो है तो शैडो ही दिखती थी कोई दिखता नहीं था तो रात को वो लोग ऐसे घर के बाहर वो नहीं तो एकदम ही जो अनफिनिश्ड से घर होते हैं कच्चे इतना बड़ा प्लॉट है लेकिन घर इतना बना है इतना प्लॉट खाली पड़ा हुआ है वैसा वाला तो रात को इधर खटिया लगा के लेते थे तो बताता था कि ऐसी नॉर्मली शैडोज इधर उधर चलती हुई दिख जाती थी रैंडमली और कहता एक बार मम्मी ऊपर कपड़े सुखा रही थी छत पे और कॉर्नर में थी और कह रहे पता नहीं कैसे छत से नीचे गिर गई छत की एक कॉर्नर में थी जिधर वो पूरी वॉल है ऊपर और दूसरी पता नहीं कैसे पीछे पीछे आते आते गिर गए नीचे तो उनका पूरा पैर फ्रैक्चर हो गया फिर बाद में करवाया तो उसके घर में अब टीवी के ऊपर हमेशा एक ऐसे क्रिस्टल सा टंगा रहता है कह रहे ये क्रिस्टल जब तक टंगा रहता है तब तक कुछ नहीं होता इस क्रिस्टल को निकालोगे दिक्कत होने लगी मम्मी को दिक्कत होने लगती है मेरे को शैडो दिखने लगती है भाई को मिर्गी आने लगती है वो ऑब्वियसली कोई पूजा पाठ करके गया था उसने लगवाया तू बता कोई भूत की कहानी सुना कहीं नहीं क्रेजी अभी कोई वीडियो करेगी तू ये नहीं कर रही है टाटा बाय बाय हो गया तेरा